आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू। 16,48,894 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा जरूरी। बिहार यूपी दिल्ली पर बयान देकर फंसे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। विपक्ष ने बयान को बताया शर्मनाक। पहले T20 में भारत ने वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। अय्यर ने छक्का लगाकर जिताया मैच। 3 मैच की सीरीज पर 1-0 से आगे भारत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 आज से शुरू हो रही है, जो 24 फरवरी तक चलेगी। इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जानकारी देते हुए बताया कि मैट्रिक परीक्षा में इस बार 16,48,894 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 8,06,705 छात्राएं और 8,42,189 छात्र शामिल हैं। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। आज गणित की परीक्षा ली जाएगी। बिहार में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 1525 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12:45 तक होगी, तो वहीं दूसरी पाली की अगर बात करें तो परीक्षा दोपहर 1:45 से 5:00 तक आयोजित की जाएगी। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आज से बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। कोरोना का भी पालन, उनके तमाम गाइडलाइंस को भी पालन करना है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से अब मैट्रिक की परीक्षा भी शुरू हो गई है, इससे पहले इंटर की परीक्षा हो रही थी, अब मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है जो आज से शुरू हुई। और पहला चरण जो है उसमें जो पहला एग्जाम होने वाला है वो मैथ का एग्जाम होने वाला है, जो कि आज 2 चरणों में एग्जाम होने, एक सुबह मतलब सुबह 9:30 से लेके 9:45 तक होना है, तो दूसरा 1:45 से लेके करीब 5:00 तक होना है। हालांकि कोरोना की बात कर ले पूजा, तो जिस तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल जो बताया गया उस हिसाब से एक बेंच पर केवल एक ही बच्चा बैठ सकता है, दूसरे बेंच पर फिर दूसरे बच्चे को बैठाया जाएगा। और हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तमाम लोगों को कोरोना का टीका लेना भी अनिवार्य था। बिना टीका लिए कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकता है। और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो मास्क पहनना अनिवार्य है, किसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान को अंदर नहीं जाना वर्जित है। बिल्कुल उत्कर्ष, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए कोरोना काल में जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बेहद प्रभावित हुई थी और आज परीक्षा है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी बातें सामने आ रही है कि बच्चे थोड़े निराश जरूर हैं। जी बिल्कुल, निराशाजनक बातें जरूर सामने आ रही है बच्चों की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से जब कोरोना का संक्रमण था तब सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया था, सारे कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था, लेकिन जब अब ऑनलाइन पढ़ाई हुई और ऑफलाइन एग्जाम की बात जब शिक्षा मंत्री ने कह दी थी, तो उसी समय से जो नाराजगी थी वो बच्चों में दिख रही थी कि जब हमने ऑफलाइन पढ़ाई की ही नहीं है तो फिर ऑफलाइन एग्जाम कैसे देंगे। और ऑनलाइन पढ़ाई में कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं होता है पढ़ने का, इसमें भी काफी कठिनाई आती है, ऐसे में उन बच्चों को काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई है। जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी परेशानी इस बात को लेकर है कि कोरोना काल में उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। और देखिए ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने के लिए कई सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास जो तकनीक है वो मौजूद नहीं हो रही थी, स्मार्टफोन्स नहीं थे, जिसकी वजह से पढ़ाई में उन्हें दिक्कत हो रही थी। और अब जब परीक्षा हो रही है तो बच्चों में थोड़ी नाराजगी जरूर देखी जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर एक बार पर्यटन के क्षेत्र में बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। राजगीर की वादियों में 177 करोड़ की लागत से निर्मित जू सफारी का उद्घाटन बुधवार की दोपहर बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विजय चौधरी, संजय कुमार सिंह, नीरज कुमार बबलू ने मिलकर किया है। और इस जू सफारी में घूमने के लिए ऑनलाइन टिकट की भी शुरुआत की गई है। इसके लिए वेबसाइट भी जारी किया गया है। साथ ही जू सफारी में विचरण कर रहे जानवरों को दूर से देखने के लिए वैभवगिरी पर्वत पर माइक्रो टेलीस्कोप लगाए जाएंगे। वहीं प्रवेश द्वार पर टिकट काउंटर और ऑडिटोरियम के अलावे बस पड़ाव और प्रतीक्षालय और रेस्टोरेंट का भी सुविधा दी जाएगी। के जू सफारी का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और आप सब लोग तो जानते ही हैं कि कितना बार जो राजगीर जू सफारी की शुरुआत का हम लोगों ने शिलान्यास किया था 1916,
और उसके बाद से निरंतर कितनी बार इसका पहले डिजाइन बना, क्या होगा, फिर बाद में हुआ, और फिर इस विभाग से बराबर हम सहयोग में रहे और विभाग इसमें सक्रिय रहा और मिल करके इन लोगों ने बहुत काम किया और कई प्रकार से, और एक बार नहीं, जब ये काम चल रहा था तो अनेक बार यहाँ आ करके अंदर देखने का हमको मौका मिला। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पहली बार देखने आए, जब काम शुरू हुआ और जिस दिन इसका शिलान्यास किए थे 2016 में, और उसके बाद जो पूरा स्थिति देखा, तो हमने कहा कि भाई जू सफारी तो हम लोग बनवा रहे, लेकिन हम लोगों को इसके पास में पूरा वन का क्षेत्र है, इसके पास ही एक नेचर सफारी भी बनना चाहिए। और उसके लिए फिर बातचीत हुई, तो फिर उसके आगे वाली ज़मीन मिली 2-3 किलोमीटर आगे का, जो वैसे तो मेरी इच्छा थी कि इसके ठीक बगल वाला बन जाता, लेकिन बाद में उसका जगह नहीं मिल पाया, और तो उसके आगे बन गया, और जो नेचर सफारी बन करके तैयार हुआ। अब जान ही रहे हैं कि नेचर सफारी को भी कितना लोगों ने पसंद किया। बिहार में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसका जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने लालू राज के 15 साल और नीतीश राज के 15 साल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि इतिहास से सबक लेकर वर्तमान को ठीक करने की जरूरत है। जब लालू यादव के राज में बिहार में अपराध था तो नीतीश राज में उसमें बढ़ोतरी ही हुई है। ये सवाल पूछने पर कि विपक्ष की भूमिका में खुद को मजबूत करने से चिराग क्या तेजस्वी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, इस पर बयान देते हुए चिराग ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो किसी के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर नहीं कर रहे। यही था कि कहीं मैं तेजस्वी का काम मुश्किल तो नहीं कर रहा हूँ विपक्षी जगह लेके। बहरहाल, मैं ना किसी का काम आसान कर रहा हूँ, ना मैं किसी का काम मुश्किल कर रहा हूँ। मैं प्रेजेंट में जीने के का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम इतिहास में ही जीते रहेंगे तो हम भविष्य की ओर कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। इतिहास में कोई ऐसा शायद ही दल या नेता होगा जिसके द्वारा कोई गलती या कोई चूक नहीं हुई होगी। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद महागठबंधन का हिस्सा रहे, लालू जी खुद उसका हिस्सा हैं, और ये सब जेपी के अनुयायी हैं जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था यहीं पटना के गांधी मैदान में। अपने लालू जी का राज अगर बहुत बुरा था, अगर उसमें बहुत चीज़ें, आपने क्या बेहतर कर दिया? आप उनके अपराध को याद दिलाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके काल में अपराध बेहतर कैसे हुआ? डीटीवी भारत ने 16 फरवरी को अपना एक साल पूरा किया है, और ठीक एक साल पहले यानी कि 16 फरवरी के दिन जन जन की आवाज बनने की ओर डीटीवी भारत बढ़ा और समाज के हर मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से सत्वत मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड ने कोरोना काल में डीटीवी भारत की शुरुआत की। अपने एक साल के सफर पूरे करने पर आपको बता दें कि पूरा सफर देखिए कैसा रहा। मैं अकेला ही चला था जानी वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया। मजहरुल सुल्तानपुरी की शायरी डीटीवी भारत के सफर के एक साल पूरे होने पर यथार्थ को दर्शा रही है। मेरा भी मंत्री के तौर पर एक साल पूरा हुआ और डीटीवी का भी एक साल पूरा हुआ है, तो उद्योग विभाग भी तरक्की कर रहा है और डीटीवी भी बहुत तेजी से तरक्की करे, इसी शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं डीटीवी, उनके ओनर्स, उनके एंकर्स, उनके टेक्नीशियंस, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता की आवाज़ सरकार सत्ताधारी शक्तियों तक आप लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप लोग का प्रचार प्रसार भी बढ़िया चल रहा है, होर्डिंग बैनर पोस्टर मैं देख रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि साल आप लोग पूरा आप लोग किए हैं, तो मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पार्टी के तमाम सदस्यों की तरफ से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही सही न्यूज़ जनता की आवाज़ शक्तिशाली पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुँचाएँ, जनता की आवाज़ को बुलंद करें, मेरी शुभकामनाएं। दरअसल देश और दुनिया जब वैश्विक महामारी कोरोना के संकट से गुजर रहा था, लोगों की नौकरियां खत्म हो रही थी, तब समाज की समस्याओं को लेकर सरकार तक जाने और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 16 फरवरी साल 2021 को कोरोना काल में ही सत्तत मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और देश दुनिया के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार ने हमारी यानी डीटीवी भारत की स्थापना की। वहीं डीटीवी भारत की स्थापना के साथ ही इतिहास की भी शुरुआत हो गई, क्योंकि कोरोना काल में जब सभी संस्थान बंद हो रहे थे
तब लोकल फॉर वोकल को परिभाषित करते हुए हमारी शुरुआत की खूब सराहना हुई। कोविड-19 के फेज में जहां टीम काफी थी, उस समय टीटीवी भारत देश के नाम का आना एक ऐसी पहल है जो बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला है। कहा गया कि देश में जारी अंधकार में समय में हमारी शुरुआत एक प्रकाश की किरण के रूप में थी। हमने अपनी शुरुआत के साथ ही जन जन की आवाज को मजबूत किया, तो कोरोना काल में सरकार की सफलता और विफलता को भी दर्शकों तक पहुंचाया। न्यूज चैनल को एक वर्ष पूरा करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने एक साल के सफर के दौरान डीटीवी भारत ने जन सरोकार की खबरों के कारण अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल की, जिसका नतीजा रहा कि आज डीटीवी भारत टीवी मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आगे बढ़ रहा है। अपने एक साल के बेमिसाल सफर के दौरान हमने सरकार की विफलताओं पर सवाल पूछा, तो सफलताओं पर भी सरकार की सराहना की। वही कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की। भोजपुरी गीतों में जारी अश्लीलता के मुद्दे पर जब हमने मुहिम चलाई तो हमें धमकियां तो खूब मिली, लेकिन हमारी मुहिम को कई बड़ी हस्तियों ने सराहा। रही फुलात रही, सूरज चांद लेखा जगमगात रही, प्रेम के सोती कबो जनता से मत टूटे देव, यही तरह गंगा जी के पानी में बढ़िया रही। टीवी भारत, डी टीवी भारत चैनल के पूरा परिवार के हम धन्यवाद देतनी, साधुवाद देतनी, ये खातिर ये तरह के कार्यक्रम आप सब करावतनी। अश्लीलता के एह मुहिम में रोज सब खाड़ बनी हमने संगे, ऐसे बहुत बहुत रोज सब सराहनीय कार्य करतनी, हमने के रोज सब के साथे बने जा। दर्शकों के प्यार का ही नतीजा रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार झारखंड के नामचीन चैनलों में सबसे बेहतर हमें देखा गया, तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने हमारी पहल की खूब सराहना की। पूरे बिहार में अपनी जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा, और हम तो कई बार ब्रेकिंग न्यूज, मतलब सही में मैं कह रहा हूं कि ब्रेकिंग न्यूज कई बार मैंने आपसे देखा है। आज हमारी कार्य कुशलता के कारण ही अपने एक साल बेमिसाल सफर को याद कर हम उत्साहित हो रहे हैं और भरोसा देते हैं कि आगे सफर को और भी यादगार बनाएंगे, जनता की हर आवाज उठाएंगे, सरकार की सफलता और विफलता को बताएंगे। क्योंकि मंजिलों को ना हम रहगुजर को देखते हैं, अजब सफर है कि बस हम सफर को देखते हैं। चलिए खबरों में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की, वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान मजदूर नौजवान सब हैं परेशान, बेरोजगारी पलायन आज भी है बरकरार, कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना
जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। डीटीवी भारत तो मेरे अंदर है। अंदर कहने का सेंस ये है कि डीटीवी भारत एक ऐसा चैनल आज के समय में उभर करके आया है जो जनता की पसंद बन गया है। और जनता का पसंद बनने का मूल कारण ये है कि किसी भी खबर को सबसे पहले पहुंचाने का कार्य कर रही है, क्योंकि इनके संवाददाताओं की संख्या भी बहुत अधिक है और हर दृष्टिकोण से इनका मैं तो आपके ऑफिस में भी गया हूँ और देखा हूँ कि हर तरह की टेक्नोलॉजी की मशीनें लगी हुई हैं, जिससे कि आपका प्रदर्शन, आपका वक्तव्य बहुत अच्छे ढंग से आप ब्रेकिंग न्यूज भी के रूप में जो चलाते हैं, सबसे पहले खबर ये सब है। ये सब गुण होने के चलते निश्चित रूप से जनता की पसंद है। मैं सब डीटीवी भारत को आपके माध्यम से ही आप ही को आपके स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जनमानस से ये निवेदन करता हूँ कि डीटीवी भारत का अवलोकन निश्चित रूप से करें। अगर सबसे पहले न्यूज की खबर आपको चाहिए तो डीटीवी भारत को अवश्य देखें। डीटीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शिखर की ऊंचाइयों को छुए और अच्छा सामाजिक कार्य करे, समाज के लोगों को सच्ची खबरें दिखाने का काम करे। देश की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही, क्या सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही। आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर कुशीनगर से इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुशीनगर में मातम में शादी समारोह बदल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पूजा के दौरान कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। तो कुशीनगर में पूजा समारोह मातम में बदल गया है। प्रशासन ने 4-4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। तो सभी पीड़ित परिवार को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया गया है। दरअसल शादी समारोह मातम में बदल गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पूजा के दौरान कुएं में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। साथ ही 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। आप देख रहे हैं कुशीनगर से, जहां पर देखिए कुएं में एक साथ 13 लोग गिरे, जिसके बाद इनकी मौत हो गई है। हालांकि लगातार मातम पसरा हुआ है, परिवार के लोग काफी ज्यादा हताश नजर आ रहे हैं। स्थिति खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुरेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश, कैसे ये हादसा हुआ है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, बता दें उत्तर प्रदेश की घटना, जहाँ एक कुएं पर हल्दी रस्म के दौरान जो है काफी महिलाएं जो है की इतने लोग उस कुएं पे खड़े थे कि कुआं जो है इन लोगों को नहीं पाया और वो भर भरा कर जिससे सभी और काफी दर्जन से अधिक लोग जो है कुएं मल कुएं
लोग तो काफी हालांकि लोगों को वहां से निकाला बिना अस्पताल, लेकिन अब तक रास्ते में ही करीब 11 मौत हो गई। सुरेश, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या और भी कोई लोग हैं जो फिलहाल कुएं में फंसे हों या सभी को बाहर निकाल लिया गया है? बिल्कुल, जानकारी पहुंची तो जिला पहुंच गए और सभी और लगभग जितने अंदर गए थे बच्चिया और महिलाएं सब बाहर निकाल लिया गया। अभी लोग की मौत हो चुकी है और प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है कि अब जो लोग घायल हुए हैं उनको तरीके से किया जाए। बिल्कुल, जिलाधिकारी द्वारा आपको बता दें कि 3 लाख रुपए का मुआवजा भी है, उनके परिवार हो गए हैं, उन लोगों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। चलिए सुरेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये शादी समारोह मातम में पसर गया। दरअसल कुएं में कई लोगों की गिर जाने से मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बस्ती जनपद के हरिया विधानसभा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी उपलब्धियां गिनवाकर जनता का वोट लेना चाह रहे हैं और सभी प्रत्याशी जनता के नब्ज को टटोलने में लगे हैं। इसी बीच बस्ती में बीजेपी के पूर्व विधायक अजय सिंह ने विशेश्वरगंज बाजार में कार्यालय उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित किया और चुनाव में बीजेपी के जीत का दावा किया। बड़ी संख्या में 4 हमारे आपके खाद बीज गोदाम है, मैंने स्टेडियम का निर्माण करा दिया, 100 करोड़ से अटल आवासीय विद्यालय बन रहा है, 25 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक बन रहा है। तो विकास की गंगा मैंने बहाने का प्रयास किया है और ये जनता जनार्दन से मेरी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, फिर से कमल खिलाइए। एटा जनपद में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के समय प्रचार में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी पर लगे बीजेपी के झंडे का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद वायरल वीडियो चुनाव के दौरान बनाए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी का बताया गया। वहीं वीडियो को लेकर लोगों का कहना है कि बीजेपी समर्थक झंडे का प्रचार करते हुए लहरा रहे थे झंडे, और ऐसे में चुनाव आयोग को ऐसे वाहनों को जब्त कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। संभल में झोला छाप डॉक्टर की करतूत ने एक युवक की जान ले ली। मृतक के परिवार वाले ने यह आरोप लगाया है कि संभल में स्वास्थ्य विभाग के मिलीभगत से अस्पताल चल रहा है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। इससे पहले भी कई लोगों की मौत अस्पताल की लापरवाही की वजह से हो चुकी है। इसको थोड़ा दर्द महसूस हुआ, ये दवाई लेकर आया और इसने 1 बजे दवाई खाई थी, आधी रोटी खाकर, और दवाई खाते ही इसके शरीर में आग हो गई। आग होने के बाद में कपड़े फाड़ने लगा और ये पटक खाई, खत्म हो गई। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के लोगों पर बयान देकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बुरी तरीके से फंस गए हैं। विपक्षी दलों ने इसे चन्नी का शर्मनाक बयान करार दिया है। साथ ही कहा कि इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आम आदमी पार्टी समेत तमाम दलों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आरे हाथ लिया है, क्योंकि जब चन्नी ने यह बयान दिया उस वक्त मंच पर प्रियंका हंस रही थी, उनके बयान पर वो ताली भी बजाती हुई नजर आई थी। कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया की जीत हुई है। वेस्टइंडीज द्वारा दिए गए 158 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने
चार विकेट खोकर ही पा लिया। टीम इंडिया के विकेटिस्ट अय्यर ने छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई और अब तीन मैच की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 1-0 की बढ़त बना ली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।